वहां उन पहाड़ों की हवाओं में एक नशा सा था और वो नशा इश्क था। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खुशी कभी महसूस ही नहीं की थी। प्यार हो गया था मुझे। Welcome back to my channel and welcome back to another video. So today is day 2 of our Manali trip. तो आज actually पिछले दिन हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कवर करी। मॉल रोड था, क्लब हाउस था, देन उसके बाद हम हिडिंबा टेम्पल भी गए थे। नाउ इट्स डे 2 एंड आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज टूडे वी आर गोइंग टू सोलांग वैली, सिसु एंड आज अटल टनल भी कवर करेंगे। एंड मतलब कल तक तो ये था कि हम ना ये सब कवर नहीं कर रहे थे क्योंकि अटल टनल खुला नहीं था, बट नाउ फाइनली हमें कल रात को न्यूज़ मिली कि इट्स ओपन एंड हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अभी करंटली 7:40 हो रहा है, अभी मैं जाऊँगी ब्रेकफास्ट करने सबके साथ एंड देन उसके बाद वील गो टू सोलांग वैली एंड वहाँ पे स्नो भी होगी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चलो अब जल्दी से नीचे चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। अभी मैं आपको दोबारा जब हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे ना तो दिखाऊंगी कंगना रनौत का घर, जो हमारे मतलब जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करते हैं, जहाँ पे हमारा ये होटल है उसके एकदम सामने दिखता है। सो चलो आ जाओ दिखाती हूँ। बस तो हम आ गए ब्रेकफास्ट करने एंड आज काफ़ी जल्दी उठ गए थे जैसे मैंने बताया क्योंकि हमें आज काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी थी। एंड ये था हमारा होटल के बाहर का व्यू कंगना रनौत का, ये उसका घर था और लोग पता नहीं बोलते कि कभी उन्होंने उनको देखा भी और उनकी मदर को भी देखा है। खैर आई वॉज एक्साइटेड बट मैं सोच रही थी कि हमें मिलेंगी या नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली हमें वो नहीं दिखी जो कि ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था। एंड बस देन उसके बाद हमने अपना डिनर वगैरह किया एंड काफ़ी ज़्यादा लोग थे, सुबह इतने लोग जल्दी आ गए थे, बट एनीवे इट वॉज़ अ गुड ब्रेकफास्ट और काफ़ी हेल्दी ब्रेकफास्ट भी था। 1 hour later. में है और अभी हम सोलांग वैली पहुंचने लगे हैं, बट अभी हम सारे रुक गए हैं क्योंकि अभी हम सब ले रहे हैं स्नो वाले कपड़े और स्नो वाले बूट्स क्योंकि ऊपर बहुत स्नो होगी और जो नॉर्मल कपड़े हैं उसमें यू नो आप रेजिस्ट कर नहीं पाओगे क्योंकि कपड़े गीले भी हो जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है स्नो वाले कपड़े लेने। तो अभी हम वहीं आए हैं, देख रहे हैं, चेक करें अपने साइज के अकॉर्डिंग कि किसको क्या यू नो वो बूट्स हैं वो लगेंगे, बाकी कॉस्टिंग का देखते हैं कितना है। A few moments later. और इसमें वाला कौन सा? ये जो है बाइक, बाइक की नीड नहीं अभी, अभी आपकी गाड़ी डायरेक्ट जा रही है, पिकअप ड्रॉप के लिए यूज होता है। जब आपका व्हीकल प्रॉपर नहीं पहुंचता है तो आप इससे पिकअप होके तब जाते हैं उसमें। कितना है ये तो बताओ? अलग अलग है, 300 रुपीज की एक्टिविटीज भी है। ये दो तीन, ये जो तीन एक्टिविटी है ये 300 रुपीज में होगी पर हेड। स्किंग 1000 पर हेड होता है, बट अगर आप मिनिमम 6 packs होते हैं तो ये 600 रुपीज में होगा। बाकी जिप लाइन आपका 1000 पर हेड का है, ये आना जाना रहेगा 3 किलोमीटर। तो जैसे कि तुमने सुना कि वो 1400 और 1700 रुपीज की एक्टिविटीज बता रहे थे, प्लीज ये सब में मत पढ़ना क्योंकि ये सब एक झोल होता है। तुम अगर मनाली या सिसु या सोलांग जाओगे ना तो प्लीज अपनी खुद की ही एक्टिविटी करना, लाइक इन लोगों से कोई डील वगैरह कोई पहले कोई मत करना क्योंकि बहुत सस्ते में एक्टिविटीज हो जाती है 100 या 200 रुपए की। एंड अब अपना दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि बहुत सुंदर व्यूज आने वाले हैं। दिस वॉज द फर्स्ट प्लेस विच वी विजिटेड वॉज दिस अटल टनल और ये लिटरली 2-3 महीने बाद खुला था एंड हम बहुत ज़्यादा खुश थे। जो हमारा गाइड भी था वो भी खुद कह रहे थे कि भैया मैं खुद 2-3 महीनों बाद देख रहा हूँ। और ये टनल 9 किलोमीटर की है और इसके अंदर ना प्रॉपर लाइटनिंग है और प्रॉपर स्पीड लिमिट भी है, कोई ओवरटेक नहीं कोई कुछ नहीं, तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। Thank you.
few moments later. Hi guys, what's up? तो इतने ज़्यादा travel के बाद now we have landed to Sisu and आप देख सकते हो पीछे कितना हसीन एकदम कितना सुंदर सा मौसम है. आसपास सारी की सारी स्नो है. इसमें बस एक चीज रहती है कि यहाँ पे ना आप बिना गॉगल्स के आ ही नहीं सकते क्योंकि आपकी आंखों पे इतनी लाइट पड़ती है. और वैसे भी लोग ये कहते हैं कि अगर आप यू नो स्नो में या किसी भी लाइट वाली जगह पे बहुत ज्यादा देर खड़े हो जाओ तो आपको काफी टाइम तक मतलब बिल्कुल पूरा ब्लैकआउट हो जाता है, कुछ दिखता ही नहीं है. इसे मैंने स्पेसिफिकली ये गॉगल्स स्पेशली अपने साथ लेके आई थी. अब थोड़ा काफी ज्यादा मॉडरेट लग रहा है बट जस्ट लुक एट द व्यू, इट्स सो सो ब्यूटिफुल. एंड बस अब हम बहुत ज्यादा एक्टिविटीज करेंगे जिसके लिए हमने थोड़े यू नो पैसे वगैरह दिए हैं. उसमें मेरे ख्याल से वो ट्यूब वाली है एंड वो है स्कीइंग है एंड एक और है जिप लाइनिंग. तो ये तीन एक्टिविटीज करेंगे एंड अभी फिलहाल तो पूरी फोटो सेशन फोटोग्राफी सब कुछ करेंगे. लग रहा है यहाँ पे रेणुका सरोजनी मार्केट. स्नो मजा आ रहा है खेलने में स्नो के साथ और बहुत सारे एक्टिविटीज करने वाले हैं अभी हम. मेरे को तो अच्छा एक दे कर क्रॉस बैक डाल ली चिकन डाल ली अच्छा दिस काय द मिक्स टाइप स्टार्ट हालून ये सुन तू असा हाथ पकडून रहा काय का. A few moments later. Woohoo! So guys, अभी मैंने करी ये ट्यूब वाली एक्टिविटी जिसमें सच में बहुत ज्यादा मजा आया, लाइक लिटरली बहुत ज्यादा. Hi guys, तो अभी मैंने ट्यूब एक्टिविटी करी एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू स्कीइंग. थोड़ी टफ होती है लेकिन हम ट्राई करेंगे. One eternity later. Cheers. हम निकले थे 2 बजे वहां से बट अभी बज रहे 5. Oh my God. 3 घंटे यहाँ पे रुके हैं बिकॉज एवलांच हुआ जस्ट हमारे आंखों के सामने. तो हमारी गाड़ी अभी हालत एकदम खराब हो गई है. सब ऐसे अजीब अजीब हो रहे हैं. अभी मतलब सन भी ढल गया है और हमारी कितनी एक्टिविटीज पेंडिंग भी थी राइट. यस, तो हमारी जिप लाइनिंग पेंडिंग थी. आगे एक ट्रक के ऊपर काफी ज्यादा बर्फ गिर गई तो हमारे सामने मतलब मैं ऐसे देख रही थी मुझे भी डर लग रहा है. बट फाइनली अब शायद हम निकल पड़े हैं आफ्टर 2-3 आवर्स. गाड़ी शुरू कर दी है और हम निकल पड़े हैं पर फिर भी देखते हैं ठंड बहुत बढ़ रही है पर अभी और हम अभी स्पीति लाहौल डिस्ट्रिक्ट में फंसे हुए हैं एंड स्टिल हमारी कुछ कुछ एक्टिविटीज पेंडिंग हैं. बस अब फटाफट हम निकले हैं एंड बाकी सब चीजें करें. लेट्स होप आई होप हमारे आगे ऐसा ना हो एंड सारी की सारी ट्रिप अच्छे से निकले विदाउट एनी इतना जो भी फलाने ढमकाना जो भी हुआ भी. हमको आज के आइटिनरी के हिसाब से हमको बसेस टेंपल भी जाना था. एग्जैक्टली यहाँ पे गिरी थी यहाँ पे गिरी थी बर्फ. अब भी यहाँ से साफ हुई थोड़ी सी. ये देखो ये देखो अभी भी देखो. थैंक यू सो मच भैया. अब
हम डर गए थे। देखो दिखाओ कितना फीट है। ओह माय गॉड, छोटी मोटी बर्फ है। आजू बाजू छोटी मोटी बर्फ। A few moments later. Hi guys, तो फाइनली हम लोग उस ट्रैफिक से निकल गए हैं एंड बाय द वे उस एक्सीडेंट में किसी को कुछ नुकसान वगैरह कुछ नहीं हुआ, बट नाउ वी हैव कम टू सोलांग वैली एंड यहाँ पे हम करेंगे जिप लाइनिंग। एक्चुअली मुझे तो थोड़ा सा हाइट से डर लगता है, बट होप कि ज़्यादा डर ना लगे। One eternity later. Last place which we visited was this Manikarnika temple and यहाँ पे hot springs भी थी and लड़कियों लड़कों दोनों के लिए नहाने के लिए अलग अलग था। हम काफी late पहुंचे थे इसलिए सब कुछ बंद हो गया था, but anyways we enjoyed it. नेक्स्ट वीडियो सीरीज में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग जैसी एक्टिविटीज और हमें बहुत ज्यादा मजा आया एंड एक मिस हैपनिंग भी हो गई थी जो कि आपको अगली वीडियो में ही पता चल जाएगा, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। ऑल्सो हमने होली भी खेली एंड कसोल का कैंप भी आपको दिखाऊंगी, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल एंड सुंदर था एंड आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय, टेक केयर।